बम बोले नाथ की जय, करिया झाटी चो सदा शिव। अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, मुझो भोले नाथ आयो। अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, मुझो भोले नाथ आयो। डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो। अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, मुझो भोले नाथ आयो। गुल गुलाबी हथ में, गुल गुलाबी हथ में, गुल गुलाबी हथ में, गुल गुलाबी हथ में, कटा इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, कटा इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, कटा इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, कटा इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो। झुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, झुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो। लाल झंडो हथ में, लाल झंडो हथ में, लाल झंडो हथ में, लाल झंडो हथ में, झूला इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, झूला इंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो। डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, डुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो। चढ़ी साहब बुलन ते, 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 बंद पुजाइंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, बंद पुजाइंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो। अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो, मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, मुझो भोले नाथ आयो। झुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, झुमरियूं पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो, दुखियन जो आधार आयो। अपने राजस्थान और मेवाड़ में बहुत ही बड़ा महत्व है। इसको गंगा जी का चौथा पाया माना जाता है और गंगा जी के द्वारा यहाँ का अभिषेक, उपेश्वर जी माता का अभिषेक करना हुई पद यात्रा द्वारा लगभग 22 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा है। श्री मोहब्बत मोहब्बत समिति द्वारा पिछले कई समय से की जा रही है, उसमें सभी हिंदू प्रेमी लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं और पद यात्रियों की सेवा के लिए मन भगवती लाल जी उप सरपंच साहब बुरा सभी इनकी सेवा करते हैं। किस प्रकार की व्यवस्था रहती है? ये एक सेल्फ मैनेजमेंट की व्यवस्था है। उदयपुर
आस्था के हिसाब से करते हैं और ये सेल्फ मैनेजमेंट है। उदयपुर का सबसे लंबा यदि मेला माना जाए, एक तो इकलौती जी का मेला होता है जो 25 किलोमीटर का है, उसके बाद ये 22 किलोमीटर का मेला है। इसमें किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, सिर्फ लोग की अपने अंतर से ईश्वर की सेवा में ये व्यवस्था से लगभग 20 से 25 हज़ार श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं। ये हर साल हम यहाँ पे पानी का काउंटर लगाते हैं, लोग घूम घूम से यहाँ आते हैं, तब तक क्या उनको प्यास भी लगती है, पैदल चलते हैं, सब दौड़ भाग के चलते हैं, ज़्यादा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की रहती है उन लोगों को, तो रास्ते में ये पानी की सुविधा, फल फ्रूट की सुविधा मिल जाए तो उनका थोड़ा सा प्यास भी दूर चलती है और उनको चलने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ये कम से कम 20-22 किलोमीटर की दूरी रहती है। और इनके लिए ये बीच में जो भी काउंटर लगाते हैं सब अपनी श्रद्धा से लगाते हैं, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, जिसकी अपनी जो सुविधा होती है उस हिसाब से ये लगाते हैं। धन्यवाद। आज कावड़ यात्रा है, कावड़ी
अच्छा, निशुल्क यह फल वितरण कार्यक्रम किस तरह आप करा कि सर? तो देखो सर्वानु जो भी आवे जो करे आप अपने विजयपुर से लगभग 150 तक चलता है। कितना किलोमीटर यात्रा है यार? बंगलू तो कम से कम 22 किलोमीटर भगवान वो ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है उस उपलक्ष्य में ये सेवा की जा रही है। निःशुल्क फल वितरण है? बिल्कुल। यात्रा और घटू आई रहा एक मिनट नरी पास शिव भक्ति का अनूठा सैलाब आराध्य देव हमारे मेवाड़ के और इसके निमित्त यहाँ सब भक्त लोग जो की सेवा करते हैं और उन भक्त जनों की सेवा करते हैं जो इतनी दूर पद यात्रा के रूप में कावड़ लेकर के भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। क्या श्रद्धा है इतनी भारी तादाद में और कहाँ कितनी लंबी यात्रा है? मेवाड़ हमारा शिव भक्त भूमि है। शिव जी यहाँ के आराध्य रहे हैं वही यहाँ के महाराणा रहे हैं तो यहाँ जन जन में गांव गांव में अति उत्साह रहता है श्रावण मास क्योंकि शिव जी को अर्पित पवित्र मास है तो ये यात्रा हर वर्ष दिनों दिन विशाल रूप धारण करती जा रही है। समस्त भक्तों का उत्साह अद्भुत है। इसमें किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती है इस पूरी यात्रा में? सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो कि लोग भक्त सेवा हेतु निमित्त हेतु करना चाहते हैं भोजन किसी को प्रसाद और जल व्यवस्था मुख्य रूप से की जाती है क्योंकि यात्री पैदल चलते हैं तो थकान होना स्वाभाविक है लेकिन तो भी शिव भक्ति के मन में ऐसी रमई है कि ये तुरंत चले ही जाते हैं। कावड़ यात्रा है। कावड़ यात्रा गंगूकुंड से शुरू होती है हर साल की भांति इस वर्ष भी गंगूकुंड से शुरू होके विश्व महादेव तक ये यात्रा रहती है और इसमें हजारों संख्या में लोग बढ़ चल के हिस्सा लेते हैं। खुश है प्रसन्न है जगह जगह काउंटर लगे हुए हैं प्रसाद वितरित किया जाता है जा रहा भक्तों द्वारा हर साल की बात है। We'll be right back.
बड़ी धूमधाम से अपने व्यवस्था की है, आलू पकौड़े वगैरह यहाँ यात्रियों के लिए प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और आप भी सब पधारो, यहाँ से कुबेश्वर महादेव पुराना तीर्थ यात्रा है और वैष्णो देवी का मंदिर है, चारों धाम की व्यवस्था पूरी यात्रा है यहाँ। हर हर महादेव। आज आप देख रहे हैं यह है उबेश्वर जी तीर्थ स्थान, जहां पर हजारों की संख्या में कांवड़ यात्रा हमने देखा, किस प्रकार से भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पद यात्रा करके जो है गंगूकुंड से जो है जल भर के यहां महादेव जी के यहां चढ़ाए जाएगा। मेरे सामने सामने मंदिर दिख रहा है जहाँ पर जल अभिषेक किया जाएगा। ऊपर ठीक स्थान पे आपने देखेंगे विष्णु देवी का स्थान है, कहते हैं कि इसको तीर्थ स्थान माना जाता है और लगातार 12 से 13 वर्ष हो गए यहाँ पे, तो कांवड़ यात्रा लगातार श्रद्धालु द्वारा निकाली जाती है और बहुत ही प्रेम। और इस 22 किलोमीटर चलने वाली इस पद यात्रा में आप देखेंगे छोटे बच्चे से लगाकर वृद्ध तक इसमें शामिल होते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर और भोलेनाथ के जयकारों के साथ जो है वो इस यात्रा को संपन्न करते हैं। यही अंदर ही बेगा कतरा श्रद्धालु आएगा, करीब 7,000 श्रद्धालु आएगा। कतरा साल हो ये प्रोग्राम चल रहे हो? 13 साल है। और भगवान की सेवा करने में कितना आनंद प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल आज ये कांवड़ यात्रा है कुबेश्वर महादेव गंगकुंड से
और हजारों लोग यात्री आएंगे हुवेश्वर महादेव, और जगह जगह पंडाल लगा रखे हैं, भगवान का प्रसाद वितरण कर रहे हैं अपने अपने श्रद्धा अनुसार। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज उदयपुर की दूसरे नंबर सबसे बड़ी पद यात्रा जो कि हुवेश्वर महादेव के लिए प्रथम नंबर जो यात्रा है वो है हमारे एकलिंग जी महादेव की, जहाँ पर लाखों में श्रद्धालु जाते हैं, और दूसरे नंबर की ये है उदयपुर की सबसे बड़ी यात्रा। इस कांवड़ यात्रा में हजारों की तादाद में भक्तगण जुड़ते हैं। यहाँ तमाम रहने वाले आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई और इधर के पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोग बहुत भारी तादाद में, तथा शहर के, नगर के, वार्ड के, गाड़ी गाड़ी के लोग, जितने भी भगवान के श्रद्धालु हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस कांवड़ यात्रा में पहुँचते हैं और भगवान भक्ति दिखाते हुए इस कार्यक्रम को इतना सफल पूर्वक बनाते हैं कि आप देखेंगे पूरी हजारों की भीड़ में, कोई डीजे के साउंड पे, कोई पद यात्रा में, छोटे बच्चे से लगाकर बड़े वृद्ध महिलाएं सभी इस कार्यक्रम में, इस पद यात्रा में शामिल होते हैं। का मंदिर है दिखाना चाहूँगा जहाँ पर आज अभिषेक होने वाला है, वह महादेव जी का मंदिर है सामने, जहाँ पर भक्तगण जो है वहाँ पर जो है अभिषेक करेंगे। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन से कहूँगा दिखाओ उनको पीछे आप किस प्रकार का से जो है बिल्कुल जो यात्रा लेके आए, इसमें भक्ति भाव के साथ सभी श्रद्धालु मोटरसाइकिल पे, पैदल, जैसे भी आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं, वैसे जो है चल के आ रहे हैं, कोई पैदल चल के आ रहा है। और भगवान का ये तीर्थ स्थान कहा जाने वाला एक पवित्र स्थान किए कह सकते हैं, जहाँ गंगू कुंड से पानी, यहाँ से 21 किलोमीटर दूर शहर में गंगू कुंड है, जो राजा महाराजा के ज़माने से एकमात्र कुंड बना हुआ, उसी कुंड से जो है पानी लाया, कहते हैं वो गंगा नदी का पानी कहा जाता है, और गंगा माता की अब एक वहाँ पर अंश कहा जाता है, उसी पानी को भर के महादेव जी के यहाँ ला के हुवेश्वर महादेव के यहाँ जो जल का अभिषेक किया जाएगा। भक्त यहाँ कर आकर अपनी जल को जो है यहाँ भगवान को समर्पित करेंगे, और भक्तगण को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, अपने पद यात्रा अपने पैरों को 21 किलोमीटर तक चल के कष्ट देकर महादेव के चरणों में आकर यह अभिषेक करने का अवसर प्राप्त है। भी भक्तगण हैं, मामाशाह है, उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है, निःशुल्क स्टॉल लगाई गई है, जिसमें फल आइसक्रीम, केले, कई तरह के जो है खाद्य सामग्री जो है वितरण की जा रही है, और भक्तों को बड़े प्रेम के साथ रोक कर उनको स्थान पर रोक के लीजिए, प्रसाद लीजिए, और बहुत ही प्रेम और आदर के भाव से कोई चमोसा, ब्रेड बड़ा, कचौरी, जो भी अपनी श्रद्धा सहित भक्ति को यहाँ समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसे ऐसे स्थान पर यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है जहाँ पर बिजली का बंद नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी भक्तों ने अपने लेवल पर कहीं से जुटाकर गाड़ियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँच के अपने स्टॉल लगाकर भक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन किया है। ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे, उनको धन लक्ष्मी प्रदान करे, ताकि वो ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे और महादेव जी के चरणों में हमेशा समर्पित रहे। मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूँगा, ये उदयपुर का स्थान है जहाँ पर बहुत ही विकास कार्य हो रहे हैं, मंदिर पर भी विकास कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर भी विकास कार्य है। अब भक्तों को लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस और एक सेंचुरी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पहाड़ों के बीच में भगवान भोलेनाथ का मंदिर होना, सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर अब 13 साल से लगातार विकास की ओर चल रहा है, और आने वाले समय में उदयपुर पर्यटकों की नगरी और देव नगरी और तमाम श्रद्धा की नगरी, ताकि अतिथि देवो भव सका सम्मान रख सकें, और आने वाला समय हमारे उदयपुर के लिए अच्छा हो, हमारे उदयपुर नंबर 1 सिटी बने, हमारा उदयपुर स्मार्ट सिटी बने, हमारा उदयपुर स्वच्छ बने, ऐसी कामना के साथ हम जय महादेव के साथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव के नारे साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ साहब, आज हमारे हुवेश्वर सत्संग मंडल के कांवड़ यात्रा में 7,000 कांवड़िया हैं और पब्लिक बोल रहे
है लगभग 2-3 हजार से सारी पब्लिक है। 13 साल है, 13 साल है, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। इसमें हमारे मल्लतले एरिया में सज्जनगढ़ रोड के देव सिंह जी है हमारे सत्संग के कार्यकर्ता, जिन्होंने 13 वर्ष से लगातार कार्यक्रम चलाया। पद यात्रा में जैसे लोग गांव-गांव से लोग आते हैं कावड़ लेने और पैदल पैदल उपेश्वर मंडल उपेश्वर महादेव जी के यहाँ जाते हैं, जिसमें सब श्रद्धालु अपने अपने मनोकामना पूरी करते हैं। मैं चलते आए तब गंगू कुंड से आप लगभग चलते हुए आए, देखा होगा आपने। अच्छा अच्छा वो है ऐतिहासिक गंगा जल पवित्र है। आज 16 तारीख को यहाँ ऑफिसर जो अपना योगदान हो सके जो अपना अपन पूर्ण करेंगे सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये तो हमारा सहयोग मिला हम तो देने में तैयार हैं। हमारा जितना सहयोग हुआ जितना किया हमने जय महादेव मिलकर करेंगे तो नंबर 1 सिटी बन सकती है। नंबर 1 सिटी बनानी है, भी कचरा हुआ इसको साफ करना पड़ेगा। की कांवड़ यात्रा इस प्रकार से निकाली जाती है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए हमारे साथ में दूर दराज में आप देखेंगे सज्जनगढ़ तो कहीं नजर आ रहा है और सज्जनगढ़ के पिछले भाग में हम देखेंगे तो वहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर दूर शहर से जो है कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। आप देखेंगे इस ग्रामीण इलाके में आपको दिख नहीं होगा छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। 22 किलोमीटर की इस यात्रा में पद यात्रा में कोई भाई अपनी निजी मोटरसाइकिल कोई अपना टेम्पो जितना भी उनके पास साधन अवेलेबल है महादेव के चरणों में जाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ से गंगूकुंड से लाया जो जल है उसको महादेव जी को जो है अभिषेक किया जाए और महादेव जी को तन मन और धन से उसको प्रेम पूर्वक पूजा करके अर्चना की। और हमारे युवाओं का बहुत अच्छा योगदान ऐसे ही बना रहे महीने में श्रावण में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। सेठी है कौनो सेठी है पूरा उदयपुर में घूमी। कतरी बार आया है? कतरी बार आई चुकी है दूसरी बार। आप बिल्कुल मनोकामना पूरी करे पूरी, पूरी करे हाँ। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यो जल ले जी रहो, जल तो खाली भेजियो ठीक है। ठीक है ठीक है, कटे कर कटे हाँ। शेरी मशहूर में मो माया से दूर में चूर में सारा दिन बंद रहता हूँ सहता हूँ सर। आप आज हमारे ये कांवड़ यात्रा की कुछ हमारे युवा ने कुछ व्यवस्था कर सके कर रही है और JMB अपने JMB ग्रुप और हवाला से ज़्यादा हम सब मदद करके आज सेवा दे रहे हैं। हर्षोल्लास के साथ कांवड़ियों ने जोश दिखाया और इस कांवड़िया 13वीं कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों ने कितना उत्साह है आप देख सकते हैं। यहाँ धार चौराहे पे हमारे नारसिंह जी छोटा वाला जो JMD वाइन्स के नाम से उनकी फर्म है उन्होंने यहाँ व्यवस्था की है पानी की और फल फ्रूट की और बड़े उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं और महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे। धन्यवाद।
तेवरी कावड़ी ये तो 13 साल हो गए इस कावड़ यात्रा को। ठीक महादेव संगठन युवा कमेटी और समथिंग आप विजय का अंदाज नहीं हुआ है रखी है। उबेश्वर जी महादेव की जो पद यात्री चलने वाले हैं जो श्रद्धालु हुए उनकी जो है सेवा के लिए तमाम जगह छोटी छोटी निशुल्क स्टॉलें खोली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह शायद खीर लग रही है ना, खीर बनाई गई है और भक्तों द्वारा जो है या खीर बना के जो है श्रद्धालुओं को आनंद पूर्वक यहाँ जाने वाले जितने भी श्रद्धालु है उनको कोई तकलीफ नहीं हो, उनको भूख ना लगे, उनको प्यास ना लगे, इसलिए सारी व्यवस्थाएँ हमारी युवा कमेटी की तरफ से की गई है। तमाम 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर थोड़ा थोड़ा दूर पे जो है बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जो है कांवड़ यात्री जो है चल रहे हैं। 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर वाली इस यात्रा के अंदर हजारों की तादाद में श्रद्धालु है और हम युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे। लगातार 12 वर्ष बीत चुके हैं और 13वां वर्ष है और अपनी सेवाएं यहां प्रदान करें, आने वाले समय में और भी किस प्रकार से विकास होगा आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और ये दूसरे नंबर हमारी सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है जिसको पद यात्रा कहते हैं। प्रथम नंबर जो है हमारी एकलिंग जी की है और दूसरे नंबर आई उदयपुर की ये यात्रा है जो सबसे बड़ी और सबसे लंबी ये यात्रा है। वो 24 किलोमीटर की यात्रा है और ये शायद 22 किलोमीटर की यात्रा है। बोलो एक बार हर महादेव बोलते थे महादेव। बहुत ही उत्साह के साथ कांवड़िए भाग ले रहे हैं और जगह जगह इनका पुष्पों से स्वागत किया गया, जगह जगह पर उनके लिए पानी की व्यवस्था, धूप की व्यवस्था की गई और सभी श्रद्धालु पूरे मन से तन मन धन से लगे हुए हैं इनके स्वागत के लिए और कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं होने दे रहे हैं। और ये जो पूर्ण श्रद्धा के साथ जो कांवड़िए जा रहे हैं और इनकी मनोकामना ईश्वर अवश्य पूरी करेगा और पूरी तरह से यहाँ के क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए बरसात करेगा। क्योंकि हर ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह पर जागरूकता इतनी ज़्यादा आ गई है, सभी लोग बच्चे बूढ़े बच्चे हर तबका धर्म के नाम पर और संस्कृति के नाम पर जागरूक हो गया है और आने वाले समय बालक बालिकाएँ अपनी आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करेंगे और संस्कृति से हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा और सभी धर्म के नाम पर जो वर्ग लाने वाले उनके नहीं आकर जो असली जो धर्म है उसे आगे बढ़ाएंगे। और ये कांवड़िए महादेव के जलाभिषेक के लिए गंगोत्सव कुंड से निकले हैं और देखिए यहाँ पर आते थे 22 किलोमीटर हो चुका है और इनके चेहरे पर कहीं भी थकान नहीं है और पूरे उत्साह के साथ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। पुलिस ने जब तो पूरा है, सुरक्षा पूरी है, ठीक है। हर हर। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत धार में उदयपुर संभाग में पहली यात्रा एकलिंग जी नाथ के वहाँ जाती है और दूसरी आज अपने यहाँ उबेश्वर महादेव पर
कांवड़ यहाँ से गंगूकुंड से हजारों श्रद्धालु कांवड़ लेके आते हैं और उसी दिन यहाँ उगेश्वर भगवान के जल चढ़ाते हैं और बाद में सब प्रसाद करके फिर आराम से अपना अपने वापस स्थान प्रस्थान करते हैं। चौथी कोई भंडारा लगाता है, कोई खान पान, अगर इसमें सब तरह की सुविधा होती है, किसी को अगर कोई परेशानी होती है, कहीं कील लग जाती है, किसी को शायद चक्कर भी आ जाते हैं, तो हर एक जगह मेडिकल का भी पूरा जाता है, लगा रहता है। किसी को अगर चलने में भी समस्या हो रही है तो उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था करेंगे कि उनको भी वहाँ उसमें बैठा के मंदिर तक छोड़ने की भी व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करती है। हम उगेश्वर जी महादेव जी गए थे, आज मैंने बहुत आनंद लिया।
क्योंकि आज कांवड़ यात्रा थी, आज 16 अगस्त को जो गंगूकुंड से आई थी, तो इतनी पब्लिक थी जो आज देख नहीं पाए, क्योंकि आज इतना मज़ा रहा, बारिश का आज आनंद आ गया हर उपेश्वरी की तरफ से, और वहाँ अच्छा प्रोग्राम रहा आज महादेव की तरफ से, इससे तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और स्वागत के लिए बहुत जनों ने स्वागत किया हमारा, और कांवड़ के लिए बहुत जनों ने हमारा सेवा की, हमने उन्होंने लोगों ने हमारी, और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। फ्रूट में हर फ्रूटी, केले, पपीता, एप्पल, पानी वानी की व्यवस्था खुल थी हर तरह, और जो जाप्ता भी एकदम व्यवस्थित था आज, पुलिस जो का एकदम व्यवस्थित था आज, कोई तकलीफ नहीं आई रास्ते में किसी। उस हम उसको जल को गंगूकुंड से लाए थे, तो उसको महादेव जी के वहाँ हमने चढ़ाया था, हमने उसे मन्नत मांगी थी महादेव जी से। बम बम बोले नाथ की जय, करिया झाटी चो सदा शिव, दीना नाथ आयो जो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो जो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो जो भोले नाथ आयो, अज तदीना नाथ आयो जो भोले नाथ आयो, अज तदीना नाथ आयो जो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो जो भोले नाथ आयो, डुमरियों पाए नचा अज त मुंजो नाथ आयो, डुमरियों पाए नचा अज त मुंजो नाथ आयो, दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, अज तदीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, दुखन जो आधार आयो मुझो भोले नाथ आयो, गुल गुलाबी हथ में गुल गुलाबी हथ में गुल गुलाबी हथ में गुल गुलाबी हथ में, जटाई दो अचा अज त मुझो नाथ आयो, जटाई दो अचा अज त मुझो नाथ आयो, जटाई दो अचा अज त मुझो नाथ आयो, झुमरियों पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, झुमरियों पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, लाल झंडो हथ में लाल झंडो हथ में लाल झंडो हथ में लाल झंडो हथ में, झुलाई दो अचा अज त मुझो नाथ आयो, झुलाई दो अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, झुमरियों पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, झुमरियों पाए नचा अज त मुझो नाथ आयो, चढ़ी साहिब बुलन ते 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 चढ़ी साहिब बुलन ते, बंद पुजाइंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, बंद पुजाइंदो अचा अज त मुझो नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, अज त दीना नाथ आयो मुझो भोले नाथ आयो, दुखियन जो आधार आयो मुझो भोले नाथ आयो।